मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं ये दुनिया न सिर्फ मुख्तलिफ मजाहिब के हामिल लोगों से भरी हुई है बल्कि उनमें काबिले जिक्र तादाद ऐसे अफराद की भी है जो सिरे से नाउज़ु बिल्ला वजूद खुदा से ही मुनकिर है। हमारी मुराद है कम्युनिस्ट बिरादरी से, और इतफाक से ये वाकया भी उसी सरजमीन पर पेश आया जिसके बासी ये कहा करते थे कि कम्युनिज्म की इमारत मजहब की लाश पर तामीर होती है। नाजरीन मोहतरम, 90 की दहाई में ये वाकया जनूबी एशिया में रशिया के एक मारूफ सूबे साइबेरिया में उस वक्त वजूद में आया जब वहाँ के साइंसदान अपने साइंसी मिशन की तकमील और दुनिया में गहरा तरीन कुआं खोदने का रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ अमल थे, और जब उस कुएं की खुदाई 14.4 किलोमीटर जेर जमीन पहुंची तो अचानक उसमें से खौफनाक इंसानी चीखों की आवाज ने उन साइंसदानों को ना सिर्फ खौफ जदा कर दिया बल्कि वो इस गैर मुतवक्के हादसे पर भी गर के हैरत हो गए। डॉक्टर एजाकोव, जो कि साइबेरिया के उस दूर दराज इलाके में होने वाले प्रोजेक्ट का मैनेजर था, के मुताबिक यूं महसूस होता था कि वो तकलीफ में मुब्तिला रूहों की आवाजें हैं जो शायद किसी जेरे जमीन जहन्नुम में अजाब भुगत रहे हैं। हमने मजीद तहकीक के लिए जब जेरे जमीन दर्जा हरारत को मालूम करने वाले आलात की मदद हासिल की तो हम पर खुला कि वहाँ का टेम्परेचर 1100 से 2000 फारेनहाइट डिग्री तक था, जो कि हमारी तवक्कुआत से बहुत ज्यादा था। यूं महसूस होता था कि जमीन के अंदर जहन्नुम का कोई कुआं अपनी पूरी हैबत के साथ मौजूद है। इसके बावजूद कि हम खौफजदा थे, हमने उन आवाजों को समझने के लिए इंतहाई हसास माइक्रोफोन्स को जेर जमीन भेजा और हमारे कानों ने उन नाकाबले यकीन आवाजों को वाज़े तौर पर सुना, और यूं महसूस होता था कि वहां से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद तकलीफ की शिद्दत के साथ चिल्ला रहे हैं। डॉक्टर एजाकोव ने मजीद बताया कि हमने इस सानहे के बाद खौफजदा होते हुए उस पर काम बंद कर दिया। डॉक्टर अजाकोव ने बाद अजां एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इश्तिराकी यानी कम्युनिस्ट होने की वजह से मैं दोजख, जन्नत या किसी आसमानी किताब पर यकीन नहीं रखता, लेकिन साइंसदान होने की वजह से अब मुझे जहन्नुम के वजूद पर ईमान लाना पड़ा है। उसने कहा कि अगरचे ये कहना गैर जरूरी है कि हम इस खौफनाक दरियाफ्त के बाद सकते के आलम में थे, लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या कुछ सुना और लोगों को क्या बयान किया। डॉक्टर ने कहा कि मैं और मेरी टीम हम सब इस बात पर कायल हो चुके हैं कि यकीनन वो कुआं किसी जहन्नुम का दरवाजा था। उसने कहा कि उसका टेम्परेचर गैर मुतवक्को तौर पर 2000 डिग्री तक पहुंचना फितरी असूलों के खिलाफ था। नाजरीन, इस वाकये की खबर उस वक्त जंगल की आग की तरह इंसानी मुआशरे में फैल गई जब फिनलैंड के एक अखबार ने इस स्टोरी को तफसीलात के साथ शाया किया, और फिर लोगों के दरमियान इस पर बहस मुबाहसे का आगाज हो गया जो कि मुख्तलिफ आरा की सूरत आज भी महवे गर्दिश है। लेकिन इस पर होने वाली कोई भी साइंसी तहकीक हतमी तौर पर इस वाकये की हकीकी वजाहत के काबिल नहीं हो सकी। अखबार कहता है कि हम नहीं कहते कि ये वाकया हकीकी है या कि महज अफवाह, लेकिन साइबेरिया या रशियन हुकूमत ने आज तक इसकी तर्दीद या ताइब पर कोई भी बयान जारी नहीं किया। दोस्तों, इसी नौ का एक और वाकया एक फ्रांसीसी समंदरी साइंसदान जैकी स्टोव से भी मंसूब किया जाता है, जिसने मरने से पहले यह बयान दिया था कि पानी की इंतहाई हद तक गहराई में जाने के बाद मैंने भी समुद्री गारों से लोगों के चीखने की आवाजें सुनी थी, जिसके बाद मेरे खौफ ने मुझे उस सिमत जाने की इजाजत नहीं दी।